आज के इस ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ अमरोहा वासुदेव मंदिर। जैसे कि आप देख सकते हो इस टाइम मैं घर पर हूँ, तो अमरोहा पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं वासुदेव मंदिर और साथ में ही हम आपको दिखाने वाले हैं मीरा बाबा धाम। तो आओ चलते हैं और दिखाते हैं आपको पूरा कंप्लीट वासुदेव मंदिर और मीरा बाबा धाम। दोस्तों हम मैं जो है मुरादाबाद गेट पे हूँ और यहाँ से अब मैं जाता हूँ वासुदेव मंदिर। यहाँ से वासुदेव मंदिर की जो दूरी है वो केवल 2 किलोमीटर के करीबन है। तो देख सकते हो सामने मुरादाबाद दरवाज़ा है और ये मुरादाबादी गेट मार्केट है जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाई थी। आपने ना देखी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक चेक करके विजिट कर सकते हो। दोस्तों सामने शांति द्वार है मीरा बाबा धाम और वासुदेव मंदिर का। तो आज के वीडियो में मैं आपको वासुदेव मंदिर और साथ में ही मीरा बाबा धाम के दर्शन कराऊंगा और अगली वीडियो में मैं आपको वासुदेव पार्क भी दिखाऊंगा, तो देखना जरूर। दोस्तों आओ चलते हैं और दिखाते हैं हम आपको मीरा बाबा धाम और वासुदेव मंदिर। जैसा मंदिर का जो है ठीक सामने है, जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ, ये देख सकते हो यहाँ पर शांति द्वार के ठीक पीछे हूँ, यहाँ पर शांति द्वार है। तो इसके अंदर चलते हैं और फिर मैं हम आपको दिखाते हैं वासुदेव मंदिर और मीरा बाबा धाम। तो पहले मैं आपको पीछे का थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ चलते चलते। यहाँ पर आप देख सकते हो जब हम आप अंदर आते हैं तो यहाँ पर ट्रांसफार्म और एक यहाँ पर जो है लाइट लगी हुई है जो काफ़ी ऊँची है। और अब हम मंदिर के अंदर पूरी तरह से है आने ही वाले हैं, देख सकते हो। और दोस्तों जब हम मंदिर के अंदर एंटर होते हैं तो एंटर होने के बाद हमको जो है 40 मीटर की दूरी के बाद हमको मिलती है चौकी। यहाँ पर ही खुद की चौकी है इस मंदिर की, अगर कोई समस्या होती है तो आप यहाँ पर जो है कंप्लेंट कर सकते हो। तो अब और चलते हैं और अंदर। यहाँ पर देख सकते हो सफाई का कार्य जो है इस टाइम प्रगति पर है। यहाँ पर थोड़ी गर्द ज़्यादा हो रही है स्टार्टिंग में, हमको यहाँ पर जो है काफ़ी खूबसूरत जो है नज़ारे देखने को मिलते हैं। और इधर देख सकते हो पुलिस चौकी वासुदेव थाना कोतवाली अमरोहा नगर जनपद अमरोहा, यहाँ पर पुलिस चौकी है। और इधर को जो है वासुदेव और मीरा बाबा के धाम के लिए जाया जाता है। और हम आपको दिखाते हैं अब यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, देख सकते हो मैं आपको कत स्टार्टिंग से आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर आज बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, देख सकते हो श्री वासुदेव तीर्थ अमरोहा मीरा बाबा का दरबार। ये मीरा बाबा का दरबार है और बाबा वेंकटेश्वर नाथ जूनियर हाई स्कूल। और ये है देखो दोस्तों वासुदेव का व्यू कितना अच्छा यहाँ पर आ रहा है। और उधर है हमारी महादेव की मूर्ति और सामने जो आप देख सकते हो वहाँ पर है हमारे शिव जी की मंदिर, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने जब यहाँ पर कहा जाता है कि कृष्ण जी यहाँ पर पांडवों के साथ आए हुए थे और उन्होंने इसी शिवलिंग की स्थापना की थी। अभी तो ये बंद दिखता है। तो मैं आपको जो है पहले आपको मीरा बाबा धाम के दर्शन कराता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको कराता हूँ वासुदेव मंदिर के दर्शन। ये जो मंदिर है देख सकते हो काफ़ी गुरु श्री गुरु नानक दरबार, इधर आपको गुरु नानक दरबार में देखने को मिल जाएगा। तो आओ चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको इसके अंदर का जो व्यू है वो कैसा है। दोस्तों देख सकते हो इस टाइम हम वासुदेव तीर्थ स्थल पर ही हैं और यहाँ पर देखो ये तालाब है और इस तालाब में जो है काफ़ी मछली भी है और इस टाइम पर्यटक भी आए हुए हैं घूमने के लिए। और सामने हमारा वासुदेव मंदिर है और इधर जो है ये है मीरा बाबा धाम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों धामों के दर्शन कराने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो ऊपर हमारी शिव जी की प्रतिमा कितनी ऊंची है और इधर जो है हमारी पुलिस चौकी भी दी गई है। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर ये पुलिस चौकी है, मंदिर की खुद की पुलिस चौकी है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हो। तो आओ चलते हैं और दिखाते हैं आपको सबसे पहले मीरा बाबा धाम, बाद दिखाते हैं वासुदेव मंदिर। तो वहाँ से घूम कर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर देख सकते हो कितना सारा प्रसाद की दुकान, यहाँ से भी आप मीरा बाबा धाम के जाकर दर्शन कर सकते हो। लेकिन मैं जो है
इधर देखो प्रसाद की दुकान है दोस्तों, अगर आप मेरा बाबा के धाम के दर्शन के लिए आते हो तो यहाँ पर प्रसाद की दुकान है। और मैं जो है आपको मुख्य द्वार से लेके जाने वाला हूँ इस धाम के अंदर। और यहाँ पर ये देख सकते हो मंदिर के धाम का और मेरा बाबा धाम के परिसर जो है काफ़ी दूरी में फैला हुआ है। इधर वासुदेव यात्रा भवन यह देख सकते हो, यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पर सुविधा दी गई है। और अभी यहाँ पर हवा चल रही है और काफ़ी भीड़ भी है। देखो यहाँ पर कुछ विदेशी हैं जो यहाँ पर ठहरा करे हुए हैं, तो आओ चलते हैं अंदर और दिखाते हैं। ये देख सकते हो इधर से ये जो है किस तरीके से जो था यहाँ पे, ये धर्मशाला है तो देख सकते हो ये धर्मशाला इस जगह की। और ये दे है जैन का बाबा का स्थान देख सकते हो, और इधर है माँ काली का मंदिर, और हमारा उधर है मीरा बाबा धाम। तो पहले मैं आपको जो है मीरा बाबा धाम के दर्शन कराता हूँ, तो आओ चलते हैं। देख सकते हो दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं मीरा बाबा धाम के स्थान पर। तो ये है हमारे मीरा बाबा धाम, और आज है शुक्रवार के दिन मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और देख सकते हो यहाँ पर अभी इसका देखो दोस्तों, ये है मीरा बाबा धाम, और यहाँ पर जो है अभी जो है पुताई का काम चल रहा है। देख सकते हो धाम की रिपेयरिंग का काम हो रहा है। और ये था हमारा मीरा बाबा धाम देख सकते हो, और यहाँ पर देख सकते हो लिखित में भी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आप लिख कर भी जो है अपनी मनोकामना दोस्तों यहाँ पर लिख कर रख सकते हो और अपनी पूरी हो जाएगी। देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से जो यहाँ पर मनोकामना सबने लिख कर टांग रखी है कि हे मेरे बाबा मेरी मनोकामना पूरी कर दो। देखो ये था अपना मीरा बाबा धाम देख सकते हो, ये मीरा बाबा का स्थान है। अब मैं आपको दिखाता हूँ माता काली का मंदिर देख सकते हो, ये मेरे पीछे देखो माता काली का मंदिर है देख सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ माता काली के मंदिर के दर्शन को नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर पुताई का कार्य चल रहा है, जिस वजह से मूर्ति पे छींटे आने की वजह से मूर्ति खराब हो सकती है। तो उसी वजह से मैं आपको बताता हूँ जैन का बाबा का स्थान के दर्शन देख सकते हो। ये है जैन का बाबा का स्थान, ये देखो ये है जैन का बाबा का स्थान देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ बैक से दिखाता हूँ, देखो घुमा के ये देख सकते हो, ये है जैन का बाबा का स्थान देख सकते हो। यहाँ पर जो है आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, और जैन का बाबा स्थान पर भी जो है लिखकर मन्नतें पूरी की जाती है। देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको चारों तरफ से जो है जैन का बाबा का स्थान दिखाता हूँ देख सकते हो। यहाँ पर ये देखो इस तरीके से है, ये पूरा जैन का बाबा का स्थान आपको आज की इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। देख सकते हो किस तरीके से जो है यहाँ पर जैन का बाबा का स्थान है, ये है जैन का बाबा का स्थान, और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है आप इसको पढ़ लेना अगर आपको समझ में आए तो देख सकते हो। बाकी मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ। जय श्री जैन का वीर श्रीमती शांति कदन धर्मपत्नी श्री मोती लाल कदस PCS निवासी मनोहरपुरा मथुरा ने इस पूजा स्थल का निर्माण कराया है। दोस्तों जैन का बाबा का जो स्थान है इसका जो निर्माण कराया है वो कराया है मनोहर पुत्र मथुरा ने, इस पूजा स्थान का निर्माण कराया है 1993 ईस्वी में अलका रजनी रसीली और शिवानी एवं काली कदम पत्नियां। दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रसाद का निशान है तो दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको फुल डिटेल वॉइस ओवर करके दिखा दूँगा कि क्या लिखा था जगह। तो हमारे जो है मीरा बाबा धाम जैन का बाबा धाम और काली माता मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं वासुदेव मंदिर की ओर। तो आओ यहाँ से निकलते हैं, कुछ इस तरीके से था देख सकते हो दोस्तों। तो ये था हमारा जैन का बाबा और ये माता काली का मंदिर। माता काली का मंदिर निवास नव देवी इंटर धर्मपाल श्री विष्णु सिंह ने अपने स्वर्ग जेठ श्री पुत्र का शेष की जागरण करा है, और जय मीरा बाबा की। यहाँ पर ये देख सकते हो मीरा बाबा का निर्माण किसने कराया था, ये मीरा बाबा का दरबार था आपने देखा होगा तो देख सकते हो, मैं आपको बार बार इसे दिखा रहा हूँ। ये मैं आपको लेकर चलता हूँ वासुदेव मंदिर की ओर और दिखाता हूँ आपको वासुदेव मंदिर
मेरा बाबा धाम दर्शन हमने कर लिए हैं, और आपको भी कैसे लगे अभी कमेंट करके बता देना। ओके ओके ठीक है, तो आप चलते हैं। दोस्तों जब मैं मेरावा धाम की वीडियो बनाकर बाहर आ रहा था तो मुझसे मना कर रहे थे कि यहाँ पर आप वीडियो फ़ोटो नहीं बनाते, अलाउ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, केवल ये ऐसे ही कहते हैं क्योंकि आप वीडियो फ़ोटो बनाते हो, अगर आप सही उपयोग करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई बाहर का आदमी आता है और अगर गलत प्रचार करता है तो इससे अफेक्ट पड़ता है, इसलिए वो जो है मना कर रहे थे कि यहाँ पर वीडियो फ़ोटो बनाना अलाउ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आज का जो वीडियो था हमारा मेरावा धाम का यहीं तक है, मैं आपको अगले वीडियो में दिखाता हूँ वासुदेव मंदिर की। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, हरी जो वीडियो है वासुदेव मंदिर की बहुत जल्द आने वाली है इसी चैनल पे। और अगर आपको वासुदेव मंदिर देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हो। ओल्ड वीडियोस है वो मैंने ही अपलोड करी थी। बाकी आपको जो है ये वीडियो मेरावा धाम की फुल डिटेल में मैंने आपको दिखाया था, पूरा रियल वीडियो में, तो कैसा लगा आप बता देना। और अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं आपको बहुत जल्द ऐसे ही वीडियो और लेकर आऊँगा, और साथ में मैं आपको पहाड़ी एरिया में भी घुमा करूँगा। इन वीडियो के बाद मैं आपको पहाड़ के क्षेत्र में घुमाने वाला हूँ, उत्तराखंड की वादियों और नैनीताल जैसे अनेक जगह मैं आपको घुमाऊँगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन और ज़रूर कर देना। थैंक यू।